इंडिपेंडेंस डे, पता है आज का दिन जो है ना वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो मैं शायद पहले कभी रियलाइज़ नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं थोड़ी इस लायक समझी, समझने में मुझे आया कि हमारे देश को आज़ाद कराने में न जाने कितने लोगों ने अपने खुद की लाइफ सेक्रिफाइस करी, अपने परिवार की खुशी सेक्रिफाइस करी, जो सारे अटैचमेंट्स थे एक लाइवलीहुड में होते हैं, एक ज़िंदगी में, एक लाइफ में होते हैं, वो सब दरकिनार करके सिर्फ एक जज्बा देशभक्ति का रखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप एक बार उनकी नज़र से सोच के देखो और ये देखो कि क्या आप अपनी लाइफ सेक्रिफाइस कर सकते हो? क्या आप इतने इजीली अपने रिश्ते, अपने नाते, सब कुछ छोड़ सकते हो? क्या आप अपनी और अपनों की खुशियाँ त्याग सकते हो? आई डोंट नो कितने लोग होंगे ऐसे जिस जो तैयार होंगे, लेकिन सच बता रही हूँ, अगर आप एक बार उनके हिसाब से देखो कि उन्होंने हम लोगों के लिए ये सुकून से हम सब जी पाएँ, हमारी फ्यूचर जनरेशंस जी पाएँ, उन्होंने हम लोगों को इतना सुंदर गिफ्ट दिया है आज़ादी का कि आप उसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यानी वी शुड बी रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द वॉरियर्स जिन्होंने हम लोगों को एक चैन की सांस लेने का, एक आज़ाद भारत में रहने का अवसर दिया। सच बता रही हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे यही लग रहा है कि मतलब कि मैं क्या बोलूँ, उन लोगों को शत शत नमन है जिन्होंने अपनी खुशी, अपने घर वालों की खुशी, मतलब कुछ भी नहीं ध्यान रखा है यार। आप सोचो, उन्होंने एक्सट्रीम सेक्रीफाइस किया जो कि बहुत ही मुश्किल है, और कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसलिए किया ताकि देश की जनता अवेयर हो सके, देश की जनता जागरूक हो सके आज़ादी के प्रति, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, मैं वीडियो बनाती हूँ तो फटफट बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे को ना बोलने में बार बार सोचना पड़ रहा है, मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए, आप सोच भी नहीं सकते। और हर एक बंदे का, जिसको हम जानते हैं या जिसको हम नहीं जानते हैं, हर एक बंदे का सेक्रीफाइस एक्सट्रीम लेवल का है, जिसके बारे में हम लोग कल्पना करें ना तो रूह कांप जाए। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी कुर्बान करी सिर्फ 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 हम सबको आज़ाद कराने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिर्फ देशभक्ति में लगा दे। बहुत बहुत मतलब कमेंडेबल, जिसके कोई मतलब, मैं स्पीचलेस हूँ उनकी तारीफ़ करने के लिए, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस मैं यही कहूँगी, उन सबको कोटि कोटि नमन, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने अपना ना सोच के इस देश को आज़ाद कराया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्लीज़ बी प्राउड।